DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. तू हमारे एरिया में कैसे बैठा है, क्या कर रहा है ये यहाँ? बस इतनी सी बात पर अज्ञातों ने चंद्रपुर से आए एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 नाबालिगों का समावेश है। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत भोले पेट्रोल पंप VIP रोड मनपा जल प्रदाय ऑफिस के सामने 26 मार्च को दोपहर 3 बजे नागपुर में अपने दोस्त से मिलने के लिए चंद्रपुर से आए 25 वर्षीय ईश्वर रामचंद्र बोरकर युवक की कुछ अज्ञात नशे में धुत युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी मामूली सी बात पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से 15 दिन पहले चंद्रपुर निवासी ईश्वर रामचंद्र बोरकर उम्र 23 वर्ष अपने दोस्त से मिलने नागपुर आया था। वो धर्मपेट के गवलीपुरा में बैठा हुआ था, तभी उसके करीब नशे की हालत में कुछ अज्ञात युवक उसके पास आए और तीखे अंदाज में कहने लगे कि तू हमारे एरिया में क्या कर रहा है, यह क्यों बैठा है। इसी बात में उनकी आपस में भिड़ंत हो गई और उन अज्ञात आरोपियों ने ईश्वर बोरकर पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की सुध लेते ही सीताबर्डी पुलिस स्टेशन ने घटनास्थल पर पहुंच आरोपी को मेयो अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 307 कलम दर्ज किया गया, लेकिन जख्मी ईश्वर बोरकर ने उपचार के 10 दिनों बाद 5 अप्रैल को दम तोड़ दिया। अब सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में 302 कलम दर्ज कर सरगर्मी से फरार आरोपी की तलाश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस के प्रयासों को सफलता प्राप्त हुई है। हत्या के बाद उज्जैन फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने 7 अप्रैल को धर दबोचा है। आरोपी अनीश उर्फ डिम्पी संजय हिरणवार उम्र 21 वर्ष और 2 नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ 307, 323, 34 कलम 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 26 मार्च को सुबह 3 बजे 2 गुटों में कुछ मारामारी हुई थी और उसमें ईश्वर बोरकर नाम का एक युवक था, वो जख्मी हुआ था, चाकू से उसे मारा था। उसके ऊपर उपचार चालू था मेयो हॉस्पिटल में और उपचार के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए वो सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें ग्राउंड लेवल पे और टेक्निकल तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था, तभी वही उसी एरिया में रहने वाले 3 लोगों ने उसे चाकू से मारा था, ऐसा निष्पन्न हुआ। इसलिए पुलिस स्टेशन सीताबर्डी की DB टीम और सबने बहुत अच्छा काम किया और उसमें उनके जो पहले अननोन थे उनके नाम डिस्क्लोज किए। कल केड़वत टोल नाका जो है वहाँ पे वो लोग है, ऐसा मालूम होने के बाद में वहाँ पे ट्रैप लेड करके उनको अरेस्ट किया गया। इसमें से एक अनीश उर्फ डिम्पी हिरणवार ये एक आरोपी है और साथ में 2 आरोपी है, वो विधि संघर्ष बालक है, उनकी 18 साल के नीचे उनकी उम्र है। ये तीनों को हमने अरेस्ट किया है, एक को हमने कोर्ट में पेश किया है, आज पेश कर रहे हैं और 2 लोगों को रिमांड होम में हमने भेज दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान, BCN न्यूज़ नागपुर। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल